हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर बीएससी पार्ट टू का फिजिक्स ऑनर्स का सिलेबस देखेंगे। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ समय के लिए आपको समय दिया जाएगा, यानी कि 1-1.5 मिनट में आपको पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं तो आप आराम से यहाँ पर हम एक एक को पढ़ेंगे, आप वो सुन लीजिएगा ये। फिर उसके बाद यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहाँ तक है ऊपर, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर पेपर 3 है और पेपर 4 का, ये भी 75 नंबर का होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाद बाकी हम पढ़ेंगे पूरा, तो वो सुनना है तो सुन लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर छोड़ भी सकते हैं। तो इस तरीके के पेपर 4 यहाँ से यहाँ तक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब बात करें ग्रुप B में, ये पेपर 4 का ही है, तो ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्या क्या पढ़ना है। फिर उसके बाद ग्रुप C में भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपको पढ़ना है। इस तरीके से ये ग्रुप C है, प्रैक्टिकल के अभी आप ले ही लीजिए यहाँ से यहाँ तक प्रैक्टिकल का सिलेबस। फिर उसके बाद इस साइड पे प्रैक्टिकल का सिलेबस, तो जानते हैं प्रैक्टिकल आप 15 भी लिख देंगे तो चल जाएगा। आप प्रैक्टिकल का किताब आराम से ले सकते हैं कोई भी दुकान से। तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक। अगर स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, अगर सोचते स्क्रीनशॉट ही पढ़े तो छोड़ सकते, नहीं तो आप देखिए क्या क्या आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑनर्स पेपर 3 में, जैसे यहाँ पर करा कि 12 क्वेश्चन 2B, यानी कि सेट और 6 का आंसर देना होगा, 4 फ्रॉम ग्रुप A एंड 2 फ्रॉम ग्रुप B। तो इस तरीके से 4 ग्रुप A से आपको 4 क्वेश्चन बनाना होगा और ग्रुप B से आपको 2 क्वेश्चन बनाना होगा। तो ये क्वेश्चन पैटर्न तो समझ ही गए। ग्रुप A में क्या क्या पढ़ना, जैसे ऑप्टिक्स में ये सब टॉपिक पढ़ना है। कौन कौन पढ़ना, जैसे बता देते हैं कि फॉर्मेट्स प्रिंसिपल एंड मिरर एंड लेंस फार्मूला, कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ थिक लेंस एंड थिक लेंस फार्मूला पढ़ना है। फिर इंटरफेरेंस फिनोमेना बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट एंड डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। फिर है माइकेलसन्स इंटरफेरोमीटर, फिर फैब्री पेरोट इंटरफेरोमीटर, उसके बाद LG प्लेट इकेलॉन ग्रेटिंग डिफ्रैक्शन फ्रेशनल्स एंड फ्रोकॉफर्स। फिर आगे यहाँ पर डिफ्रैक्शन है अलग में, फिर हाफ पीरियड जोन्स जोन प्लेट, फिर यहाँ पर फ्रेशनस डिफ्रैक्शन एट स्ट्रेट एज एंड सिंगल नैरो वायर, फिर है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट एन स्लिट्स एंड सर्कुलर अपर्चर प्लेन, यानी कि ये अलग अलग तरीके के हैं प्लेन डिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। फिर कॉनकेव ग्रेटिंग एंड ईगल्स माउंटिंग, फिर रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म, फिर टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, कॉर्नस स्पाइरल एंड इट्स यूज इन डिफ्रैक्शन प्रॉब्लम्स, प्रोडक्शन ऑफ प्लेन सर्कुलरली एंड इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, फिर निकल्स प्रिज्म क्वार्टर वेव प्लेट, फिर बेबिनेट्स कॉम्पेंसेटर एंड एनालिसिस ऑफ इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट एंड पोलैरिमीटर, प्रिंसिपल ऑफ लेजर एक्शन रूबी लेजर हिनी लेजर। तो इतना सारा चीज़ पढ़ना है आपको ग्रुप A पेपर 3 के। ग्रुप B में आपको ये पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जिसमें से 4 क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा आपको। तो 4 क्वेश्चन कौन कौन है देख ही लेते हैं। मैक्सवेल्स फील्ड इक्वेशन, वेक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंटम, मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर, प्रेशर ऑफ रेडिएशन प्लेन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, डबल रिफ्रैक्शन इन क्रिस्टल थ्योरी ऑफ फिर थ्योरी ऑफ डिस्पर्जन, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड डिस्पर्जन इन मेटल, स्कैटरिंग बाय फ्री एंड बाउंड चार्जेस। ये आपको ग्रुप B में इतना सारा चीज़ आपको पढ़ना है। अब बात करें तो पेपर 4 में क्या पढ़ना है वो आप देख लीजिए। पेपर 4 में इतना सारा चीज़ आपको पढ़ना है। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि 3 घंटा के लिए 75 मार्क्स और 25 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, और पेपर 3 में ही 25 प्रैक्टिकल, और ये भी इसमें ही 25 प्रैक्टिकल, तो दोनों लगाकर 50 प्रैक्टिकल। इसमें 12 क्वेश्चन रहेगा तो हम समझते ही हैं, बाद बाकी 4 यहाँ पर, इस 12 क्वेश्चन 6 to be आंसर देना होता, सिलेक्टिंग एटलीस्ट 1 फ्रॉम ग्रुप A और 2 फ्रॉम ग्रुप B एंड C, मतलब इसमें 6 आंसर देना है कम से कम, यानी कि 1 बनाना है ग्रुप A से कम से कम, मैक्सिमम आप 2 बना दीजिए, और
टू बनाना है कम से कम, ग्रुप बी से और ग्रुप सी से भी कम से कम दो बनाना है। तो इस तरीके से आप ये आसानी से समझ ही सकते हैं कैसे है। अब बात करें ग्रुप ए, जिसमें से दो क्वेश्चन आएगा, एक बनाना ही आपको रहेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म ये है, तो इसमें क्या क्या पढ़ना आपको पड़ेगा, तो बाउंड्री कंडीशन एट द सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू डाई इलेक्ट्रिक एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। फिर है स्केलर पोटेंशियल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, द पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज डाइपोल एंड क्वाड्रोपोल मोमेंट्स, एनर्जी शेयर्ड इन अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, पॉइजंस लैंड एंड लैपलेसेस इक्वेशन इन कार्टेशियन पोलर एंड सिलेंड्रिकल कंडीशंस, मतलब कोऑर्डिनेट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट एंड देयर सॉल्यूशन फॉर सिंपल ज्योमेट्रिक्स, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, रिलेशन बिटवीन डी ई एंड पी, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फिर हिस्टेरिसिस, फिर कर्व मेथड फॉर ऑब्टेनिंग बी एच कर्व, एनर्जी लॉस पर साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन पढ़ना है, उसके बाद मैग्नेटिक सर्किट एंड एप्लीकेशन टू बी इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मीटर पढ़ना, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, फिर मेजरमेंट ऑफ ससेप्टी थ्योरीज ऑफ डाई पारा एंड फेरोमैग्नेटिज्म पढ़ना है, उसके बाद यहाँ पर पढ़ना है कि थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट ऑफ सीडबैक पेल्टियर एंड थॉम्पसन इफेक्ट एंड देयर एप्लीकेशंस, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ग्रोथ एंड डीके ऑफ करेंट ऑफ दिस सर्किट, मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर ऑफ पीरियोडिक एंड बैलिस्टिक गैल्वोमीटर, तो ये सब करेंट इलेक्ट्रोसिटी में पढ़ना। फिर एसी के सर्किट यूज ऑफ वेक्टर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर इन एसी पढ़ना है, सर्किट थ्योरी, फिर सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंट के बारे में पढ़ना है, सर्किट पावर इन एसी सर्किट वाट मीटर एसी ब्रिज, फिर है डी शॉर्टिज ब्रिज, फिर एंडरसन ब्रिज, फिर कैरे फोस्टर ब्रिज, फिर यानी कि सिरिंग ब्रिज, थ्री फेज एसी सिस्टम, म्यूचुअल कपल्ड सर्किट्स, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, पॉलीफेज एंड सिंपल फेज इंडक्शन मोटर्स, द ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट एंड वेक्टर डायग्राम, आयरन एंड कॉपर लॉसेस इन ट्रांसफार्मर किस तरीके से होता है। तो ये आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है, ग्रुप बी हो गया, और कम से कम ग्रुप बी में से दो क्वेश्चन का आंसर देना होगा। इसमें 5 क्वेश्चन है जिसमें से कम आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। ग्रुप सी के बात करें तो इसमें भी कम से कम 2 क्वेश्चन देना होगा, तो मैक्सिमम आप 3 दे दीजिए, लेकिन कम से कम 2 जरूर देना होगा। तो ग्रुप सी में से ये सब पढ़ना है, जैसे मॉडर्न फिजिक्स में ये सब टॉपिक पढ़ना है। तो कौन कौन टॉपिक पढ़ना, जैसा यहाँ पर है कि मेजरमेंट ऑफ चार्ज बाय मिलिकंस मेथड एंड स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय थॉम्पसन्स मेथड, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी रदरफोर्ड सॉडिस थ्योरी ऑफ न्यूट्रॉन आइसोटोप्स, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, एलिमेंट्री आइडियाज अबाउट न्यूक्लियस एंड इट्स स्ट्रक्चर, फिर है न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर्स, एस्टोन्स मास स्पेक्ट्रोग्राफ, फिर साइक्लोट्रॉन एंड बीटाट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो इंडक्टिव एंड फोटो वोल्टिक सेल्स, फिर है कॉम्पटन इफेक्ट, ब्रैक्स लॉ एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सरे वेवलेंथ, और कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एंड इट्स यूज इन एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी एंड फेज मेजरमेंट, सॉलिड स्टेट रेक्टिफायर एंड वन स्टेज आरसी एम्पलीफायर के बारे में पढ़ना है। फिर आगे देखते हैं तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉस्मिक रेज पढ़ना है, पेनिट्रेटिंग कंपोनेंट ऑफ कॉस्मिक रे, फिर एम्पलीट्यूड एंड लैटिट्यूड वेरिएशन ऑफ कॉस्मिक रे इंटेंसिटी, और ईडब्ल्यू एसिमेट्री कॉस्मिक रे शोवर्स, रोसी कर्व, आउटलाइन ऑफ कैस्केड थ्योरी, ओरिजिन ऑफ कॉस्मिक रे। तो इतना सारा चीज़ पढ़ना है आपको मॉडर्न फिजिक्स में, अधिकतर ये रेडिएशन से रिलेटेड, प्रैक्टिकल भी देखिए लेते हैं क्या पढ़ना है, करना पड़ेगा। तो द कोर्स शैल बी इंक्लूडेड द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स, ये सब शामिल है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय स्पेक्ट्रोमीटर,
कैलिब्रेशन ऑफ प्रिज्म स्पेक्ट्रोमीटर जो कि 50 नंबर का होगा। फिर उसके बाद आपका ये वाला होगा डिटर्मिनेशन ऑफ कॉकिस कांस्टेंट, फिर वेवलेंथ बाय प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब, डिटर्मिनेशन ऑफ रडबर्ग कांस्टेंट, वेवलेंथ बाय न्यूटन्स रिंग, वेवलेंथ बाय प्रिज्म, फिर वेवलेंथ मतलब रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, फिर स्पेसिफिक रोटेशन बाय पोलेरीमीटर, डीप बाय डीप सर्कल एंड अर्थ इंडक्टर, हिस्टेरिसिस कर्व ऑफ रॉड शेप्ड स्पेसिमेन, मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद अ सर्ज कॉइल, और कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर बाय पोटेंशियोमीटर, फिर बीजी कांस्टेंट एंड लॉग डिक्रीमेंट, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मेजरमेंट ऑफ लो एंड हाई रेसिस्टेंस, टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, फिर टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ ईएमएफ ऑफ थर्मोकपल, और यूज ऑफ ऑसिलोस्कोप और टू मेजर वोल्टेज करेंट फ्रीक्वेंसी एंड फेज, स्टडी ऑफ सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस सर्किट पढ़ना है मतलब प्रैक्टिकल करना है, फिर कैपेसिटे मतलब कैपेसिटेंस बाय डाइसॉर्टी ब्रिज के बारे में पढ़ना है। तो इस तरीके से इतना है, तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो उम्मीद करते इस तरीके से आपको इतना सारा टॉपिक पढ़ना है, और कोई भी चीज़ चाहिए अगर बस हेल्प थोड़ा कर सकते हैं बाय सक्सेस साइंस सीरीज आप लिखेंगे तो हर चीज़ मिल जाएगा जो हेल्प चाहिए। पूरा तो नहीं करा सकते कोर्स, लेकिन हमको हेल्प ज़रूर कर सकते, तो सब्सक्राइब कर लीजिए अदर हेल्प के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।